गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि फंक्शन जनरेटर से कैसे 1 वोल्ट पीक टू पीक एंड 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। दिस डिवाइस इज नोन एज फंक्शन जनरेटर, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें डिफरेंट साइन फंक्शंस हैं, ट्रायंगुलर, रैंप एट्सेट्रा। ये जो नॉब है, इससे हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रैंप एट्सेट्रा। ये वाला जो नॉब है, इस नॉब से हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। एज यू कैन सी, फ्रीक्वेंसी इज स्टिल वेरी। ये जो नेक्स्ट नॉब है, इसे एम्पलीट्यूड वेरिएबल कहते हैं। तो इससे हम सिग्नल की स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकते हैं। और ये जो नॉब है, पीएनसी कनेक्टर, यहाँ से आउटपुट निकलता है इस फंक्शन जनरेटर का, इस पॉइंट से। और ये फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट है, इसको हम सीआरओ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सीआरओ भी रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ, पल्स की जगह साइन वेव करता हूँ, देन एट द सेम टाइम यू कैन ऑब्जर्व द साइन वेव ऑन द सीआरओ स्क्रीन। फिर मैंने चेंज किया स्क्वायर वेव, तो ऑब्जर्व हो रही है आपको स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर, रैंप, पल्स। तो अभी हम साइन वेव जनरेट करना चाहेंगे 1 किलोहर्ट्ज़ की। तो फिर फ्रीक्वेंसी नॉब से हम सेट करेंगे 1 किलोहर्ट्ज़। तो बाय वेरिंग दिस वेरिएबल नॉब, ट्राई टू कम डाउन टू 1.00, बट स्टिल वी हैव 1.01 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जनरेटेड फॉर साइन वेव, एंड दिस साइन वेव इज ऑब्जर्व ऑन द सीआरओ स्क्रीन। इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। इसको फिर हमने हटा दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू जनरेट, 1 वोल्ट साइनसोइडल वेव पीक टू पीक। तो ये जो पीक टू पीक की बात कहते हैं, ये सिग्नल अभी आपको दिख रहा है ऊपर, ये एक पॉजिटिव पीक है, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज़ नेगेटिव पीक। तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है या जनरेट करनी है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वोल्टेज होगी फ्रॉम पीक टू पीक, इट शुड बी 1 वोल्ट। ये जो होगी 1 वोल्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले मेज़र करते हैं फ्रॉम द मल्टीमीटर कि ये सिग्नल जनरेट कितना हो रहा है। तो अगर आपको बेसिक पता हो, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया, वो जो मल्टीमीटर है जो रीडिंग लेता है, वो आरएमएस वैल्यू रीड करता है, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहीं से हम देखेंगे जो सीआरओ पे अभी ऑब्जर्व हो रहा है, ये पीक टू पीक वोल्टेज हो रहा है। अगर इसी सिग्नल को हम मल्टीमीटर से मेज़र करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी पीक टू पीक। देन हम ये भी जानते हैं वी आर एम एस और वी मैक्सिमम में एक रिलेशनशिप होता है, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वी पीक। तो ये वेल नोन फार्मूला है, मगर जो सीआरओ पे ऑब्जर्व हो रहा है वो वी पीक टू पीक है। इसका मतलब क्या है, वी पीक प्लस वी पीक, फॉर वन इज फॉर नेगेटिव पीक एंड वन इज फॉर पॉजिटिव पीक, इन दोनों का सम। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, वी पीक टू पीक इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 वी आर एम एस। और अगर हम ये देखना चाहें कि हमें 1 वोल्ट पीक टू पीक चाहिए, तो 1 वोल्ट हम पीक टू पीक की वैल्यू रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वी आर एम एस। तो जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा, वी आर एम एस कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो ये वाली वोल्टेज हम इस फंक्शन जनरेटर से जनरेट करेंगे, जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे ऑन दी मल्टीमीटर फर्स्ट, एंड देन वी विल ट्राई टू
मेज़र ऑन दी सी आर। ये देखिए मैंने क्या किया है, फंक्शन जनरेटर से जो सिग्नल आ रहा है फ्रॉम दिस प्रोब, इस प्रोब को मैंने मल्टीमीटर के दोनों लीड से कनेक्ट करना है, एक ब्लैक मल्टीमीटर का प्रोब और एक रेड प्रोब मल्टीमीटर का, जो हमारी फंक्शन जनरेटर से लीड आ रही है केबल, उसमें पॉजिटिव वाले को मैं इसे कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव वाले को ब्लैक से। अभी जब ये कनेक्ट हो गया है तो आप देख सकते हैं ऑन द मल्टीमीटर दिस इज रीडिंग 164.2 मिली वोल्ट। जबकि ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं या गलत करते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि हम दे क्या रहे हैं या मेज़र किस चीज़ को कर रहे हैं। मेज़र कर रहे हैं हम साइन वेव को, सो दिस साइन वेव इज़ अल्टरनेटिंग इन नेचर। तो हमें मल्टीमीटर के फंक्शन को डीसी से हटा के फॉर मेज़रिंग एसी वोल्टेज पे सेट करना है। और हमने अभी कैलकुलेट किया था कि 0.353 वोल्ट हम लोगों को डिजिटल मल्टीमीटर पे रीड करना है, सो दैट इट विल इक्वल टू 1 वोल्ट पिक टू पिक। तो अभी जो हमारा वेरिएबल नॉब है, इस वेरिएबल नॉब को हम चेंज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सेट द वैल्यू 0.353। तो अभी ध्यान से देखें, वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस वैल्यू और मल्टीमीटर में इस रीडिंग को हम चेक करते रहेंगे। 0.353 जब रीडिंग नियर आ जाए तो हमें जो नॉब है उसे बहुत जेंटली मूव करना है सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट। या इट्स नाउ नियर टू 3. नाउ इट्स फिक्स्ड अप्रोक्सीमेटली और इक्वल टू 0.353 वोल्ट। दिस इज़ द रीडिंग ऑन मल्टीमीटर जो कि RMS वैल्यू है, और इतनी RMS वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसका रिवर्स अगर देखें तो 1 वोल्ट हमें पीक टू पीक चाहिए थी जो हम जनरेट करना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस साइनोसोइडल नेचर पीक प्लस माइनस पीक दोनों का ऐड करके ट्वाइस हुआ ये। तो इसे जब हम देखेंगे तो CRO पे ऑब्जर्व होना चाहिए 1 वोल्ट पीक टू पीक। तो जनरली गलती क्या होती है, जैसे किसी ने बोला 1 वोल्ट पीक टू पीक जनरेट करना है तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, फंक्शन जनरेटर से ऐसा सिग्नल जनरेट करते हैं और डायरेक्टली मेज़र करते हैं ऑन मल्टीमीटर की इसकी वैल्यू 1 वोल्ट सेट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। अभी अगर हमने इसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेक करनी है मल्टीमीटर से तो सेम कनेक्शन है कमिंग, ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है फंक्शन जनरेटर से, इसे हमने प्रॉब में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप 1.01 फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं और फंक्शन जनरेटर से भी हमने 1.01 और 1.02 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सिग्नल है जो मल्टीमीटर में रीड किया 0.353 वोल्ट, इसी वोल्ट को, इसी सिग्नल को हम CRO पे देंगे। कनेक्टर एंड विद क्रोकोडाइल प्रॉब BNC केबल को लेंगे और वहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, इसी सिग्नल चाहिए हमें CRO पे, तो हमने इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और इसी का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमें CRO पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व और मेज़र दी वोल्टेज फ्रॉम दी CRO। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच इज़ 1 ब्लॉक और इसके सब डिवीज़न है 5। तो जो 1 डिवीज़न है वो 0.2 का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे CRO पे आप ऐसे डिवीज़न देख रहे हैं तो पहला डिवीज़न ये, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे एक और लाइन है इसके बाद, तो ये सब डिवीज़न है ये 0.2 सेंटीमीटर का है।
और अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये मेरा पूरा वन ब्लॉक होगा, ठीक है, वन ब्लॉक। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को, तो इट विल कम आउट टू बी 1 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू टोटल वन ब्लॉक में है। तो ऑन द CRO वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या करें, हम इसको थोड़ा स्लाइटली ऊपर मेसर करते हैं ताकि सिग्नल हमारा ब्लॉक में आ जाए। और ये जो वोल्ट पर डिवीज़न वाली नॉब है, इसको हमने 1 वोल्ट पे किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, वन ब्लॉक। अभी इस पूरे सिग्नल को देखें तो वन ब्लॉक में आ रहा है, ये सिग्नल हमारा पूरा ब्लॉक कवर कर रहा है एक। तो हम लिखेंगे ब्लॉक इज वन ब्लॉक, और लाइक वन ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय वोल्ट पर डिवीज़न। यहाँ देखेंगे CRO पे वोल्ट पर डिवीज़न का इसका मेजरमेंट है। तो चैनल वन पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज चैनल वन। तो चैनल वन की रीडिंग है इस वक्त 1 वोल्ट, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज 1 डिवीज़न, ठीक है। और ये जो मैंने बताए थे छोटे, दीज आर नोन एज सब डिवीज़न। तो डोंट बी कन्फ्यूज इन डिवीज़न एंड सब डिवीज़न। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये 1 डिवीज़न है, क्यों? क्योंकि जो हमारा सिग्नल है वो इस पूरे 1 ब्लॉक में आ रहा है, जिसमें 5 सब डिवीज़न है, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन ईजली कैलकुलेट, डिवीज़न से डिवीज़न कट गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स 1 वोल्ट सिग्नल हम जनरेट कर चुके हैं फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर ऑन द CRO, ठीक है। और ये ध्यान रखना है मल्टीमीटर पे, AC पे सेट करना है, और मल्टीमीटर पे कितना वैल्यू सेट करना है, 0.353, जो कि हमने कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व, ये जनरली इक्वेशन हम जानते हैं, और हमने सिग्नल हमने CRO पे कैसा देखा है, होल, ये पॉजिटिव पीक, ये आपकी नेगेटिव पीक, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव वी पीक, इसे कहेंगे यहाँ से यहाँ तक को नेगेटिव वी पीक, और इन दोनों का सम होगा वी पीक पॉजिटिव वाली प्लस नेगेटिव वी पीक, जो कि होगी इक्वल टू वी पीक टू। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, कैलकुलेट किया, हमने रिक्वायर्ड क्या था, 1 वोल्ट पीक टू पीक। तो इसके लिए कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू ऑब्जर्व की हमने, मेजर की मल्टीमीटर पे, जो कि फंक्शन जनरेटर का आउटपुट था। अभी हम एक बार और चेक करते हैं सेम। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाली नॉब को 1 वोल्ट से हटा के चेंज करते हैं, 0.5 पे सेट किया है, 0.5 वोल्ट पर डिवीज़न। तो हमने कैलकुलेट अगर करना है तो कैसे करेंगे, हमारी सेटिंग क्या है चैनल वन की, वोल्ट पर डिवीज़न, और हमें यहाँ से CRO पे नंबर ऑफ डिवीज़न काउंट करने हैं। तो अभी हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, रीएडजस्ट इट, पूरा 1 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 2 डिवीज़न हुए ये हमारे बड़े वाले, और सब डिवीज़न इसमें होंगे 10, 5 नीचे वाले ब्लॉक के, 5 ऊपर वाले ब्लॉक के, तो इसको हम 2 लिखेंगे, 2 डिवीज़न, 2 वोल्ट, 2 डिवीज़न हमारे CRO से ऑब्जर्व हुए, 0.5 चैनल सेटिंग थी, मल्टीप्लाई किया, 1 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल हमने ऑब्जर्व किया। यू कैन ऑब्जर्व दिस सेटिंग इज 0.5 वोल्ट पर डिवीज़न
एंड ऑन CRO इट कवर्स टू ब्लॉक और टू डिवीजन एंड बाय द कैलकुलेशन वी कैन ऑब्जर्व विद दिस फॉर्मूला चैनल सेटिंग वोल्ट पर डिवीजन एंड नंबर ऑफ डिवीजन फ्रॉम द CRO ऑफ फॉर दिस सिग्नल दैट इज 2 एंड यू गेट 1 वोल्ट पीक टू पीक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.